आरोही। अरे 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 बेटा आरोही, बेटा कैसी है तू? अरे बेटा मेरी तो जान निकल गई थी। बेटा तू घर पर सगाई छोड़ करके यहाँ पर, मैंने तो तुझसे कल रखने को कहा था ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा मैं बताती हूँ, किसी ने तो बचाया। चुप करण, मुझे लोगों ने बताया कि ये तुम्हारा पार्टनर, ये बताया तुमने अपने कितनी बार मेरी और मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? बस गलती हो गई मुझसे, जो कि मैंने तुमको इंसान कहा। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम तो शैतान से भी बदतर हो। याद तुमने लगाई है ना ऊपर, तुमने हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ना उस दिन। बेटे ये दोनों बाप बेटे मिलकर पता नहीं क्यों हम दोनों की जिंदगी के पीछे पड़े हुए। बेटा गलती से भी इस आदमी के बहकावे में मत आ, बहुत गंदे लोग हैं ये। पुंछ पुंछ, शिमला की पुंछ, सारे शिमला में पुंछ पुंछ हो रहा है। उन्हीं पुंज महाराज की औलाद है ये, उन्हीं के बेटे हैं। कोई साहब की तो मूर्तियां लगनी चाहिए शिमला के चौराहे पर। अगर ये आग लगाई थी तो रावण की तरह उसमें जल भी जाती ना। फिर मैं तुम्हें जेल भिजवाई बिना नहीं मानूंगा, याद रखना। चलिए बाबा मेरी बात तो सुनिए, ये भरोसे के लायक आदमी नहीं। ये आग इसी ने लगाई, ये बहुत गंदे किस्म के लोग है बेटा। जी भगवान का शुक्र है कि आरोही को कुछ नहीं, जो हुआ उसे भूल जाए। एक सेकंड, ये मूर्ति लाई हो तुम? कैसे लगाती सब? आपने तो कहा था कि ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, आपके दादाजी की मूर्ति है जिनका आशीर्वाद आप रोज लेते हैं। भयंकर आग में अपनी जान की परवाह करने के बजाय तुमने ये इतनी छोटी सी मूर्ति। सर आप हमारे लिए ना कुछ कर सकते हैं तो हमें आपके लिए इतना नहीं कर सकते। माफ करना, मैं तो पूर्वी और सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आओ बेटा। अगर आज तेरे हाथ में गणपति नहीं होते तो पता नहीं तेरा क्या होता। पर आज जिंदगी फिर मिल गई। No!
और ये जो गणपति जी की मूर्ति है ना, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये मूर्ति मेरे दादाजी की है। जब वो मथुरा में भजन गाया करते थे तब ये मूर्ति उनके पास होती थी, रोज इनका आशीर्वाद लेते थे। जब 11 साल की उम्र में मैं मुंबई आया तो मेरे पास इन चीजों के सिवा कुछ नहीं था। भयंकर आग में अपनी जान की परवाह करने के बजाय तुमने इतनी छोटी सी मूर्ति, सब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? उस दिन जब आरोही ने शादी के लिए ना कह दिया, मुझे आईना दिखा दिया तो कितना बुरा लगा था मुझे। क्यों इसे एक बात पे आरोही से इतनी नफरत हो गई कि मैं उसे बर्बाद करने चला। ये मूर्ति तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, पर आज इसे एक छोटी सी मूर्ति के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मूर्ति सब कुछ है मेरी। जो इंसान उसकी जान के पीछे पड़ा था, उस इंसान के लिए आज वो लड़की अपनी जान पे खेल। किस तरह की लड़की है ये आरोही? ऐसा क्या है इस लड़की जो उसने आज करण सिंह को जीत दिया? जो करण सिंह पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ता है, उस करण सिंह पे आज एक लड़की अपना असर छोड़ गई। और उस रात एक ही बारिश में तीन लोगों को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी में प्यार का मौसम आ गया। पर उन तीनों को यह नहीं पता कि किसके प्यार का मौसम उस बारिश के बाद भी रहेगा। कोई नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है, कैसे कुछ दिनों के बाद किसी का प्यार रहने वाला है और किसका प्यार जाने वाला है। सर, आपको पता आज स्टूडियो में आग लग गई? I love you too. फलक बन गया है सब इसका नहीं कोई और कोई छोड़ तेरी पेंटिंग। ये
बरसों पहले मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे दी थी, बेचारी प्लेन क्रैश में मारी गई। ये पुरातन काल का कटोरा, ये बनने से पहले मेरी दादी माँ ने मुझे दिया था। पर ये जो गणपति जी की मूर्ति है ना, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति मेरे दादाजी, जब वो मथुरा में भजन गाया करते थे तब ये मूर्ति उनके पास होती थी, रोज इनका आशीर्वाद लेते थे। दिनों बाद अच्छी नींद आई आज। काश अर्जुन ने रात को फोन किया होता, कितना कुछ कहना था, सुनना था। एनीवेज, रात को फोन नहीं किया तो अभी तो जरूर करेगा। आ गया फोन। मेरे बाल, सॉरी। क्या कर रही हो आप दी? वो फोन कॉस करना है, रिंग हो रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। दी यार, सोच सुबह सुबह क्यों फोन किया? क्यों? तुम रात से मेरी कॉल का इंतजार नहीं कर रही? क्या कर रहे हो तू? नाच रहा हूं। नाचते नाचते तुम्हारे टेरेस पे आ गया। क्या? क्या? नाचते नाचते क्या? हाँ, बहुत दिनों बाद नाचा। और अब तुम एक काम करो, अपने टेरेस पे आ जाओ। तू पागल हो? जाओ यहां से। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से कूदा तो मेरी सारी हड्डियां डूब जाएंगी, और अगर मैं लिफ्ट से नीचे आया और बाय चांस तुम्हारे बाबा ने मुझे देख लिया तो वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, और मैंने जाने कितने सारे इल्जाम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। दो रास्ते, दोनों डेंजरस। बीच का रास्ता, तुम ऊपर आ जाओ। बट इतनी सुबह सुबह किसका फोन था? श्रुति का। श्रुति दी, ये वही श्रुति है ना जो आपको शिमला में भी फोन करती थी, अब यहाँ पर भी फोन करके तंग करने लग गई। हाँ, वाह, आप तो बहुत लकी हो, कोई तो है जो आपसे इतना प्यार करता है। मैं तो तरस गई हूँ कि कोई मुझे भी तंग करे, पर मेरा फोन तो बचता ही नहीं है। अच्छा है तेरा फोन नहीं बचता, तेरा फोन बजेगा ना तो मुसीबत हो जाएगी। चलो अब मैं टेरेस पे जा रही हूँ। टेरेस? इतनी सुबह सुबह टेरेस क्यों जा रही हो? श्रुति से मिलने। श्रुति? लेकिन वो तो शिमला में थी ना, वो बॉम्बे भी आ गई हमारे टेरेस पर। नहीं, नेटवर्क नेटवर्क नहीं है ना यहाँ, ऊपर नेटवर्क होगा तो वहाँ बात कर लूंगी। ओके बाय। देव साग के बाद कितनी बदल गई है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ साग में। जाओ आप, मैं तो सो रही हूँ, तू भी सो जा, सो जा। अर्जुन, अर्जुन,
हो तुम? कहाँ छुपे हुए हो तुम? अर्जुन, देखो अभी तक चोट ठीक नहीं हुई है। मैंने क्यों नहीं बताया? मैं कुछ दवा लेके आती ना। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं। अच्छा सुबह मानो, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज है जो तुम मुझे दे सकते हो। दे दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ तो बोलो ना। यहाँ यहाँ करके पता नहीं क्या भी तक जब भी ऐसे मिले कभी मैंने आई लव यू कहा, कभी तुमने। और फिर करीब आते 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 बस यहीं तक आए। आज मैं अंतरा को पता कि मैं आऊं। अगर उसने किसी को बता दिया तो, अगर पापा को पता चल गया तो वो तो ऊपर ही आ जाएंगे। तो अरे तो उन्हें मैं बात करूंगा उनसे। आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैरी